हरिद्वार जनपद में जहरीली शराब के सेवन से 8 लोगों की मौत के बाद हरिद्वार जनपद पुलिस ने देवभूमि नशा मुक्त अभियान के तहत ताबड़तोड़ छापेमार कर अवैध शराब का कारोबार करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। मंगलौर पुलिस ने भी लक्सर क्षेत्र में हुई घटना से सबक लेते हुए क्षेत्र में चल रही अवैध कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। मंगलौर पुलिस ने देर रात छापेमारी कर अवैध शराब का कारोबार करने वाले 17 आरोपियों को दबोच लिया है। आरोपियों के पास से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से क्षेत्र में शराब तस्करी करने वाले तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल सूत्रों की माने तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के बाद हरिद्वार जनपद में वोटरों को लुभाने के लिए शराब की बड़ी खेप मंगवाई गई है। एक सप्ताह पूर्व भी मंगलौर पुलिस ने झबरेड़ा से 14 लाख रुपए की कीमत की 240 अंग्रेजी शराब की पेटी जब्त की थी, लेकिन हरिद्वार जनपद के पथरी में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। ये नशा मुक्ति देवभूमि अभियान के अंतर्गत थाना मंगलौर क्षेत्र में मंगलौर पुलिस द्वारा एक प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनसे 40 लीटर कच्ची शराब व 670 पौवे शराब के बरामद किए गए। इसमें अंग्रेजी शराब व देसी शराब के पौवे दोनों सम्मिलित।